and patroness of our honorable representatives. ये एक concept draw किया है कि एक sports festival किया जाए, जैसे कि आज यहाँ final match के लिए आज है, लेकिन इस मुकाम पे आने के लिए, इस फाइनल में आने के लिए हम लोग का यूथ जो है रेस्पेक्टिव प्लेसेस में प्रैक्टिस किया, कम्पीट किया, दिनों से बहुत दिनों से ये कर रहे थे, देख हुए द टाइम एंड एनर्जी ऑफ यूथ हैज बीन प्रॉपरली पॉजिटिवली यूटिलाइज. ऐसे में सर मैं बता दो इसमें इन दोनों दोस्त डिस्ट्रिक्ट आदि इनहेबिटेंस एरिया लोग है पार्टिसिपेट है दोनों 600 पार्टिसिपेंट्स को आदो हुई लो हिम में ए बी के नोलू एटे टाइम होलो गुगली वहां पर ब्लॉक लेवल लो टूर्नामेंट ए बी के ऑर्गेनाइज बाय ए बी के ब्लॉक वाइज दे लोग सेलेक्टेड टीम एम लगा तो का सेंट्रल फाइनल स्पोर्ट्स मीट लो बेसुपा तेल ऑर्गेनाइज हिमो तो का अंगिन बोले टूटी यिन क्यों एकु मारियांग पासीगा वेबो दाम्बु नामसाई जगह जगह लो फर्स्ट अंडर योर गाइडेंस ऑर्गेनाइज मोपला देन यू ऑर्गेनाइज एनुअल मीट फॉर स्पोर्ट्स हलो एनुअल मीट इतो पे देम दोनों मुहो रिक्वेस्ट दू लीडर और हमारे सांसद लोकसभा स्टूडेंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री तबीर गांव जी हमारे सहयोगी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री आलो लिवांग जी ऑनरेबल एमएलए श्री जिग्नू नामचुम जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री कलिंग मोयोंग जी ऑनरेबल एमएलए मैडम गुमताइंग जी श्री लम्बू ताइंग जी श्री तलिम तबो जी श्री कलिंग तकू जी श्री ओजिंग तसिंग जी हमारे आदि बानी केबांग के प्रेसिडेंट श्री गेतम बोरंग जी हमारे ए बी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट श्री जोलोक मिनुंग जी जनरल सेक्रेटरी रोते मिंकी जी यहाँ उपस्थित हमारे ए बी के वुमेन विंग्स के सारा ऑफिस बियरर्स हमारे आपसू के जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के चेयरमैन और सारा मेंबर्स उनका प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल का एजुकेशन बहुत अच्छा होना है और वो चीज़ जो है बीइंग एंड ट्राइबल हम लोग पूरा नेग्लेक्ट कर लेता है हम लोग कहते हैं कि बच्चे अभी छोटा है उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा मगर वो अप्रोच जो गलत है इसलिए हम लोगों को प्राइमरी और प्री प्राइमरी में भी फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है मैं धन्यवाद दूंगा अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च किया है इट इज़ द बिगेस्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इन सभी जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको हर एक स्टेट बाय 2030 उसको इम्प्लीमेंट करना है स्टेट में भी हमने स्टेट टास्क फोर्स का गठन ऑलरेडी कर दिया है तो आने वाला दिनों में बहुत सारा रिफॉर्म्स हमको हम लोगों को देखने को मिलेगा तो मैं आदि समाज और ए बी के को अपील करेंगे कि एजुकेशन में भी आप लोग एक टॉर्च बियरर होते हुए बाकी अरुणाचल के जितने भी जो समाज है उनको भी आप लोग अच्छा रास्ता दिखाने के लिए शुरुआत आपका आदि एरिया से हो एक अच्छा रिफॉर्म आप लोग अपना एरिया में एक प्रपोज कीजिए ताकि हम बाकी कम्युनिटी को और भी हम लोग उसको फॉलो कर पाएगा तो इतना कहते हुए मैं आज के जो दो फाइनलिस्ट जो है फुटबॉल और टग ऑफ वार का फुटबॉल में हमें कहा गया है कि शी योमी का टीम आए हुए हैं और ईस्ट सियांग के बीच में फाइनल खेला जाएगा और टग ऑफ वार में मेबो और दम्बुक के बीच में यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा तो मैं चारों टीम को अपनी ओर से बेस्ट विशेष और साथ साथ जितने भी जो टीम्स सभी जगह से आके पार्टिसिपेट किया है आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक बार फिर मैं अपना कमिटमेंट को रिट्रेट करता हूँ कि आने वाला सेशन जो आने वाला ईयर जो है 2021 वहाँ पे हर एक कम्युनिटी को आप लोग ने जिस प्रकार से जो यहाँ पे आयोजन किया है उसी प्रकार से यूथ लोगों को एनर्जी स्पोर्ट्स में जनरेट करने के लिए उनका टैलेंट दिखाने के लिए हर एक समाज को मैं सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट ईयर से मैं बजट में ही इसका प्रावधान करूँगा
थैंक यू जय हिंद जय पसीना के जाने के लिए तो ये एक इम्पोर्टेंट एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है तो मैं आज पब्लिक को भी बताया कि इस तरह का इनिशिएटिव बाकी कम्युनिटी में भी होना चाहिए और सरकार आने वाला बजट में भी सभी कम्युनिटी को स्पोर्ट्स क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रावधान भी रखेंगे। ओके सर, सर मेरा ये सरलवार स्वयं को लेकर सर पूछना चाहते सर सरलवार स्वयं जो है ओल्डेस्ट पेंडिंग ये डिस्ट्रिक्ट है सर उसको लेकर पब्लिक ये यहाँ हम लोग का ये सोसाइटी में थोड़ा टेंस आया तो उसको सर आपका इंटरवेंशन आपका इनिशिएटिव क्या हो इमीडिएट इनिशिएटिव लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए देखिए अभी बहुत सारा कम्युनिटीज़ का भी विजिट हुआ है उस जगह में लेकिन अभी फाइनल जो कमेटी का जो रिपोर्ट है वो हमारे पास पहुंच गया है तो उसको मैं अभी मार्क किया हूँ कैबिनेट सेल में उसको आने वाला कैबिनेट में लेके आने के लिए तो मैंने तो दोनों समाज से बहुत पहले से अपील करते आया हूँ अपना आदि और गालों के बीच में कि इस तरह सा जो अपना आदि लैंड या गालो लैंड करके आप लोग क्लेम मत कीजिए सरकार अपना हिसाब से जो भी वो देख के एक लॉजिकल कंक्लूजन में हम लोग लेके आएंगे और उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी इसका हम लोग कंक्लूजन में लेके आएंगे और इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा दोनों समाज अपना आदि और अपना गालो समाज के कि सरकार को ऊपर सरकार काम कर रहा है और सरकार के ऊपर में ट्रस्ट रही है बहुत जल्दी इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। Adi Sports Fest 2021 30th November से लेके आज 5th December तक हुआ आज हमारा क्लोजिंग सेरेमनी हुआ फ्रॉम माचुकवा या सीयूमी डिस्ट्रिक्ट से लेके नामसाई और ये इशियांग लेके अपर सियांग सियांग दिबांग वैली एंड ये थर्टीटूर मूंग कॉन्स्टिट्यूंसी अराउंड 600 प्लस पार्टिसिपेंट आया उसके बाद इसमें ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स भी हुआ मैन एंड वेमेन का भी हुआ उसके बाद ओवरऑल में हमारे यहाँ में देखा गया कि अभी ओवरऑल चैम्पियन 38 कॉन्स्टिट्यूंसी का ईशियांग डिस्ट्रिक्ट उनको मिला है और फुटबॉल विनर भी उन्हीं को मिला है और रनर्स अप मैसुकवा ये सीएम डिस्ट्रिक्ट से उसके बाद वेमेन का भी हुआ तागोवर हुआ तो ऐसा हो के हमारा आज का प्रोग्राम फर्स्ट एवर हमारा ए बी के यूथ विंग टीम का वजह से और हमारा वेल विशर तो एंटियर आदि कम्युनिटी जो कम्युनिटी पार्टिसिपेट होने का वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ है। आई एम द सेक्रेटरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ आदि बानकमंग यूथ विंग एपेक्स एज वेल एज द कंपटीशन डायरेक्टर ऑफ आदि स्पोर्ट्स फेस्ट 2022। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले माय हार्टफुल थैंक्स टू इस विजन जो हमारा इस प्रोग्राम को स्टार्ट से लेके एंड तक कवर किया। आज हमारा क्लोजिंग सेरेमनी था तो हमारा ये जो बेसिकली आदि स्पोर्ट्स बेस्ट ये जो हमारा आदि कम्युनिटी का जो यूथ्स है उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए किया गया था ऑर्गेनाइज किया गया था तो इसमें हम लोग एथलेटिक्स में 100 मीटर 200 मीटर उसके बाद जैवलिन थ्रो शॉर्ट पुट में पार्टिसिपेट किया फिर उसके बाद बैडमिंटन में बैडमिंटन सिंगल्स बैडमिंटन डबल्स फिर फुटबॉल एंड देन टग ऑफ वॉर तो इस साल हमारा फर्स्ट एवर है तो इसीलिए हमने दो ग्रुप इवेंट दो इंडिविजुअल इवेंट पे रखा गया था तो अगला टाइम जब हम फिर इसको दोबारा करेंगे तो उधर क्लास करते जाएंगे नंबर ऑफ इवेंट्स को तो हमारा ये जो मुद्दा था करने का सबसे पहले तो हमारा यूथ्स को प्लेटफॉर्म देने का था और दूसरा यही था कि जो हमारा जो आजकल का जो यूथ्स होता है वो ज़्यादातर अपना खेल और ये सब कुछ छोड़ के ड्रग्स और ये डोपिंग ये सब में चला जाता है तो इन चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए हमने जस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया गया है तो इस साल फर्स्ट टाइम है इसीलिए हमने ओपन टूर रखा गया है तो इसके बाद अगर नेक्स्ट टाइम से हम इनको एज कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो और आशा करता है कि आने वाले समय में हमारा जितना यूथ्स है आदि कम्युनिटी से वो यूज वे में पार्टिसिपेट करेंगे और इस आदि स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स के थ्रू मैं सबको हार्टफुल थैंक्स कहना चाहता हूँ स्पेसिफिकली हमारा आदि ट्राइब्स को जो हमारा बहुत साथ दिया उसके बाद इंजर में हमारा जो अरुणाचल के वासी है और जो हमारे इंडिया के जो वासी है स्पेशली हमारा सीएम सर जो आज हमारे क्लोजिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट आए थे उनको थैंक यू सो मच।